पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पूरे देश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में भगवान महावीर जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। शहर के कई स्थानों पर कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, तो वहीं हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी थाना मुगलपुरा क्षेत्र अंतर्गत मंडी चौक से भगवान महावीर जयंती के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। जैन रथ यात्रा में भारी संख्या में जैन समाज के बुद्धिजीवियों ने पहुंचकर शोभा यात्रा का हिस्सा बने। शोभा यात्रा मंडी चौक से शुरू होकर शहर के मुख्य बाजारों से होती हुई थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत कंपनी बाग पंचायत भवन पर जाकर समाप्त हुई। मुरादाबाद जैन समाज के अध्यक्ष अनिल जैन ने शोभा यात्रा के बारे में जानकारी दी, साथ ही मुरादाबाद के नागरिकों को भगवान महावीर जयंती की शुभकामनाएं भी दी। भगवान महावीर जयंती की शोभा यात्रा के समापन के बाद पंचायत भवन में भगवान महावीर जयंती महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे महापौर विनोद अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष प्रिया अग्रवाल, MLP डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त ने पहुंचकर इस कार्यक्रम में सभी को भगवान महावीर जयंती की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महापौर विनोद अग्रवाल ने कहा कि हम सबको सत्य के रास्ते पर चलकर इस देश को आगे बढ़ाने की जरूरत है। कार्यक्रम में तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सुरेश जैन ने सभी को बधाई दी। बधाई और आज बाबा साहब का भी जन्मदिन है और महावीर भगवान का भी और भी आज कई महत्वपूर्ण दिवस हैं। पर एक संदेश अहिंसा का जो दिया भगवान ने, उस अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए हम लोग अपने जीवन को, अपने समाज को, अपने देश को हम आगे बढ़ा रहे हैं और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अहिंसा प्रबंधन, अहिंसा के जो संदेश है इसके अंदर एक बहुत गूढ़ रहस्य है। और आप सब तो मेरे से ज्यादा इस चीज के ज्ञानी है, माता श्री बैठी हुई है यहाँ, आपके विचार मैंने भी अक्सर सुने हैं। पर आने वाले समय में जो हमारी नई पीढ़ी है, जब तक उसके अंदर इन सब इस धर्म का इसका भाव हम लोग पैदा नहीं कर पाएंगे, तब तक जो 21वीं सदी मॉडर्न जमाना, जो आजकल मोबाइल फोन का जमाना, इसमें जो एक विकृत मानसिकता बच्चों में पैदा हो रही है, इसको रोकना है और अपने समाज को, अपने धर्म को, अपनी सनातन को, अपनी संस्कृति को हमें आगे बढ़ाना है। उन्होंने जैन समाज के विभिन्न पहलुओं पर माननीय व्यस्त जी को और उससे पूर्व जितेश जी को और माता जी को सुना है और हमने लगभग 40 सालों से अनिल जी के और माननीय सुरेश जी के संपर्क में रहता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के नाते और एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते मैं जैन समाज का बहुत गहरा अध्ययन करता हूं। शिक्षा से मैं वंचित रह गया क्योंकि ऐसे परिवार में मैंने जन्म लिया जहां सड़क पर रहना पड़ा। और समाज के सामने मैं इसलिए कहना चाहता हूं, कोई व्यक्ति सड़क पर जन्म लेके अनाथ होकर मुरादाबाद में आता है और वह व्यक्ति बस स्टैंड पर रहता हो, रेलवे स्टेशन पर रहता हो और सपना देखता हो लखनऊ चारबाग बस स्टैंड पर रहके कि मुझे किसी सांसद और विधायक के घर नहीं जाना, जिस दिन भगवान महावीर की कृपा होगी उस दिन स्वयं विधायक बन के विधायक निवास जाना, जो भगवान महावीर ने मेरी इच्छा पूर्ण की। आज भगवान महावीर जयंती है। सर्वप्रथम TMU में कार्यक्रम हुआ, बहुत ही विशाल और भव्य और एकात्मता का कार्यक्रम था। देश भर के जैन बच्चे जो वहाँ पढ़ते हैं उन्होंने बहुत अच्छा दृश्य दिखाया और बहुत अच्छा कार्यक्रम किया और उनमें ये संदेश भी गया कि कैसे जैन समाज के बच्चे आज के दिन संकल्प लेते हैं
समाज के लिए कुछ करने की सबक लेते हैं और वो दृश्य देश भर के बच्चे आए थे, सब प्रांतों से वहाँ बच्चे होते हैं। आज अभी आपकी उपस्थिति में यहाँ कार्यक्रम हुआ है, जैन समाज का लगभग पूरा समाज यहाँ पर उपस्थित है, उन सबसे निवेदन किया कि संगठित होकर के समाज की भिन्न भिन्न समस्याओं का समाधान करें और समाज को शक्तिशाली बनाएं, तभी हम राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। जैन समाज संगठित होगा, अपनी स्वयं की बुराइयों को, समाज स्वयं की कुरीतियों को दूर करते हुए एक अच्छा समाज बनेगा, तो ही वो राष्ट्र की सेवा कर सकेगा। कुछ यहाँ पे मांगे भी उठी हैं, कुछ समस्याएं भी आपके सामने रखी। हाँ, वो रखी हैं, हमने आदरणीय सूर्य जी ने कहा है कि मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और आदरणीय गृह मंत्री जी से भी निवेदन करूँगा कि जहाँ जहाँ पर जैन समाज बड़ी संख्या में है, उस समय वहीं से पर्वों के समय पर, पर्वों के टाइम में, एक 9 दिन का हमारे पर्व होते हैं, साल में 2 बार होते हैं, उस उन दिनों में मांस मीट का वर्जन होना चाहिए, पशु हत्या या पक्षी हत्या, जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। ये भगवान महावीर का संदेश है, जियो और जीने को, और अहिंसा परमोजय उसका पालन होना चाहिए। हम कोई राजनीति में या हम किसी उसके कारण से नहीं कह रहे हैं किसी उसके किसी को नीचा दिखाने के लिए, लेकिन हमारी भावनाओं का भी और यह ध्यान रखना चाहिए कि समाज में पर्वों के दौरान, उत्सवों के दौरान, और इस तरह से मीट का उपयोग नहीं होना चाहिए, मीट की दुकानें नहीं होनी चाहिए। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।